दोस्तों स्वागत है आप सभी का टेक्निकल गाइड चैनल पे और एक नए टेक्निकल वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वो पांच पॉइंट जिसके मदद से आप अपने लैपटॉप को समर्स में या गर्मी में या कभी भी गेमिंग के वक्त ठंडा रख सकते हो, उसको कूल रख सकते हो और उसको ओवर हीटिंग से बचा सकते हो और उसको और नई थोड़ी लाइफ प्रदान कर सकते हैं। तो यानी आज का इस वीडियो का टॉपिक है कि आप कैसे, मतलब वो कौन से पांच तरीके हैं जिसके मदद से आप अपने लैपटॉप को रख सकते हैं कूल गेमिंग के वक्त और समर्स के वक्त। तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में, और अगर आपको ऐसे टेक्निकल वीडियोस अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो दोस्तों वीडियो हो चुकी है शुरू, और सबसे पहला जो पॉइंट है जिसके मदद से आप अपने लैपटॉप को रख सकते हो कूल, वो है आपका लैपटॉप टेबल। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पीछे, आप अपने लैपटॉप को कभी भी वैसी जगह पे ना रखिए जहाँ पे जो जगह है वो बहुत सॉफ्ट है और जो लैपटॉप है वो ऊबड़ खाबड़, मतलब ऊपर नीचे जो सॉफ्ट प्लेस है वहाँ पे आप मत रखो। जो सरफेस है वो सॉफ्ट है तो वहाँ पे आप मत रखो, आप हमेशा हार्ड और फ्लैट सरफेस पे अपने लैपटॉप को रखो, जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो मेरा लैपटॉप है वो एक टेबल पे है और इसके ऊपर एक टेबल क्लॉथ भी है। तो अगर आप अपने टेबल पे टेबल क्लॉथ भी बिछाते हो तो चलेगा, लेकिन आप कभी भी अपने लैपटॉप को किसी सॉफ्ट सरफेस के ऊपर ना रखिए। उससे क्या होता है कि जो वेंटिलेशन है, जो साइड के वेंट्स होते हैं जहाँ से जो लैपटॉप है वो हीट को बाहर फेंकता है फैन के मदद से, तो वो एरिया ब्लॉक हो जाता है और तब आपका लैपटॉप है वो ओवर हीट होने लगता है, क्योंकि उसको जगह नहीं मिल रही जो हीट है उसको बाहर फेंकने की। तो इसलिए आप अपने लैपटॉप को कभी भी एक सॉफ्ट सरफेस पे ना रखिए, और जहाँ पे आप रखते हो जैसे कि ये टेबल है, एक हार्ड सरफेस या टेबल आप कहीं पे भी रखते हो, तो उस टेबल के एरिया को हमेशा क्लीन करते रहिए। क्लीन करने से क्या होगा कि वहाँ पे अगर जो, क्योंकि डस्ट एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी रुक नहीं सकती, तो डस्ट एक ऐसी चीज़ होती है जो हमेशा एक्यूमुलेट होती रहती है हर जगह पे हर हफ्तों में। तो अगर आप हर हफ्ते में अपने जो टेबल है उनको क्लीन कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात होगी। अगर हफ्ते में नहीं तो कम से कम हर महीने अपने टेबल को अच्छे से क्लीन कर लो, ताकि आपका जो टेबल है वो डस्ट फ्री रहे और आपके लैपटॉप में कोई डस्ट की एंट्री ना हो वेंट्स के ज़रिए। जो दूसरा पॉइंट है वो है वेंटिलेशन। तो वेंटिलेशन से मेरा मतलब है कि आपके घर में वेंटिलेशन प्रॉपर होनी चाहिए। अगर आपके घर में वेंटिलेशन नहीं है, मतलब आपके घर में अच्छी सी जो नेचुरल एयर नहीं आती अंदर, या अंदर बहुत गर्मी गर्मी सी रहती है, तो तब आपका लैपटॉप है वो भी बेचारा अंदर है, आपके घर के अंदर ही है, तो वो भी ओवर हीट होएगा या हीट उसमें, मतलब वो और हीट होगा और डस्ट पार्टिकल्स भी अंदर घुसेंगे। तो इसलिए आपके जो घर है उसमें अच्छे से वेंटिलेशन होना चाहिए। अब वेंटिलेशन को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, तो पहला तरीका है जितने भी घर में आपके विंडोज़ हैं उन सबको ओपन कर लो, अच्छे से सबको ओपन कर लो, यानी या जिस रूम में आपका लैपटॉप है उसी को ओपन कर लो। और जो अगर आपके घर में फैंस है तो फैंस को आप अपने समर्स में तो फुल स्पीड में चलाते हो, तो फैंस को फुल स्पीड में ऑन रखो। और अगर आपके घर में एसी है तो और अच्छी बात है, आप अपने एसी को भी ऑन रख सकते हो, मतलब एसी को ऑन कर सकते हो और उसके हिसाब से आप अपने जो रूम के वेंटिलेशन को सही रख सकते हो। नहीं तो अगर आपके पास कूलर्स है तो आप उसको भी पूरे दिन चालू रख सकते हो। बस आपको करना क्या है कि आपके लैपटॉप में नहीं, आपके रूम में वेंटिलेशन प्रॉपर होनी चाहिए। तो बस आपके घर में होना चाहिए प्रॉपर वेंटिलेशन, चाहे आप कैसे भी करो, चाहे फैंस ऑन रखो, चाहे एसी यूज़ करो, चाहे कुछ भी यूज़ करो, लेकिन घर में होना चाहिए वेंटिलेशन प्रॉपर। अगर वेंटिलेशन नहीं है तो सही बात नहीं है। और हाँ, वेंटिलेशन से ये भी है कि अगर जो आपके लैपटॉप है उसके जो वेंट्स है जहाँ से वो एयर, हॉट एयर निकलती है, उसको ब्लॉक मत करना। अगर आपने उसको ब्लॉक कर दिया तो भी लैपटॉप जो है वो हीट होगा और आपके जो लैपटॉप के टेम्परेचर्स है वाइल गेमिंग और आइडल के वक्त वो इंक्रीज़ होते रहेंगे। और फिर आप सोच रहे होगे कि भाई अभी तो थर्मल पेस्ट अपग्रेड किया था, फिर से गर्म कैसे होने लगा। तो इसलिए लैपटॉप के एरिया को भी कोई ब्लॉक मत करना वेंट्स के एरिया को। जो तीसरा पॉइंट है वो है लैपटॉप क्लीनिंग का, यानी आप अपने लैपटॉप को सबसे पहले पलटी मारो, उसकी बैटरी निकालो, अगर बैटरी अंदर है तो उसको अंदर ही रहने दो, और लैपटॉप को ओपन कर लो, जो चेसिस है उसको भी क्लीन कर लो, क्योंकि उसमें भी धूल मिट्टी जम जाती है। चेसिस को क्लीन करने के बाद आप अपने लैपटॉप को ध्यान से देखो। सबसे पहली बात आपको ये नोट करना है कि मदरबोर्ड पे डस्ट नहीं जमती। जब आपका चेसिस क्लोज है तो मदरबोर्ड पे इतनी जल्दी डस्ट नहीं पकड़ता, वो तब होता है जब आपका लैपटॉप बहुत सालों से क्लीन नहीं किया गया। तो मदरबोर्ड को आप क्लीन ना करो। हाँ, अगर उस पर आप हल्का सा मतलब ब्लो ब्लो एयर ब्लो कर सकते हो तो ठीक है, लेकिन
वैसे आप अपने लैपटॉप को मदरबोर्ड को ना छेड़ो तो ही अच्छा है, क्लीन करने के लिए मतलब वो ब्लोअर वो सब ज़्यादा अच्छे नहीं होते, तो लैपटॉप के मदरबोर्ड पे डस्ट नहीं आते। लेकिन अगर आते हैं तो हाँ, अगर आपके घर में सॉफ्ट ब्रश है, पेंट ब्रश भी चलेगा, वो सॉफ्ट होते हैं, तो आप उसके मदद से लैपटॉप को क्लीन कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है कि सबसे जो मेन एरिया जहाँ पे आपको लैपटॉप को ओपन करने के बाद डस्ट मिलता है, वो है लैपटॉप का फ़ैन, और फ़ैन के अंदर प्लस फ़ैन के नीचे वाली जगह, यानी फ़ैन के अंडरनीथ आपको बहुत सारा डस्ट देखने को मिलता है, और जो वेंट्स का एरिया है वहाँ पे। तो अगर आपका लैपटॉप एक ऐसा लैपटॉप है जिसमें 3 से 4 वेंट्स है, या गेमिंग लैपटॉप है जिसके बैक साइड में वेंट्स है प्लस राइट और लेफ्ट साइड में भी वेंट्स है, तो हाँ, आपको चारों वेंट्स को अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको वेंट्स, सबसे पहले आप अपने वेंट्स को क्लीन करो। अगर आपके लैपटॉप में सिर्फ एक सिंगल वेंट है, चाहे वो पीछे साइड हो, चाहे लेफ्ट साइड में हो, चाहे राइट साइड में हो, तो आपको क्या करना होगा कि आप अपने लैपटॉप को ओपन करो, जो फ़ैन है सबसे पहले फ़ैन के स्क्रूज़ को ओपन करके फ़ैन को ऊपर लिफ्ट करो। लिफ्ट करने के बाद आपको दिखेगा कि वहाँ पे बहुत सारा डस्ट है जमा हुआ है। तो एक सिलिकॉन या सॉफ्ट आप ले सकते हो, एक क्या बोलते हैं उसको, सॉफ्ट सिलिकॉन एक क्लॉथ ले सकते हो, और उसको गीला करके हल्का सा वेट करके आप लैपटॉप को क्लीन कर सकते हो डस्ट निकालने के लिए। प्लस जो फैंस है लैपटॉप के, उसके अंदर भी जमा हो। अब फैंस का एक काम इतना रिस्की है कि फैंस जो है वो इतने अच्छे से ओपन नहीं होते, प्लस उनकी जो पिन है वो निकलती नहीं, तो आप फ़ैन को अच्छे से बाहर निकाल के तो क्लीन नहीं कर सकते। मैंने ट्राई किया था, मेरा जो फ़ैन कनेक्टर है वो एकदम टाइट है और निकल ही नहीं रहा, और मेरे को डर लग रहा है कि वो टूट जाएगा, तो इसलिए मैं फ़ैन को रिमूव नहीं कर पाता। लेकिन हाँ, मैं एक वेट क्लॉथ से जो फ़ैन के ब्लेड्स हैं उनको अच्छे से क्लीन कर देता हूँ, और जो फ़ैन के नीचे का एरिया, अंडरनीथ का एरिया है चेसिस का, उसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर देता हूँ। तो मेन डस्ट वहीं पे होता है, जो मैं 90% से 95% का जो डस्ट है वो वहीं पे एक्यूमुलेशन होता है, बाकी आपके हार्ड डिस्क के ऊपर हो सकता है हल्का सा, और जो एम्प्टी एरिया होता है, जैसे जो डीवीडी का एरिया होगा, वहाँ पे आपको डस्ट देखने को मिल जाता है। तो आपको लैपटॉप को क्लीन कर लेना है अच्छे से, और क्लीन करने में आपको सब जगह एक बार खोलते हो लैपटॉप, तो ऐसा मत करो कि अच्छे से क्लीन ना करो फिर वापस खोलना पड़े। तो एक बार क्लीन कर रहे हो अच्छे से क्लीन कर लो, और जो फैंस को जो अच्छे से क्लीन करना, क्योंकि एक ही फ़ैन होता है छोटा सा बेचारा, वो भी क्या कर लेगा, तो इसलिए जो फैंस है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्लीन करने में। जो फिफ्थ पॉइंट है वो है यहाँ पे थर्मल पेस्ट। थर्मल पेस्ट यानी अगर आप अपने लैपटॉप को ओपन कर ही रहे हो, तो क्यों ना उसको ओपन करने के बाद, फ़ैन से डस्ट वस्ट रिमूव करने के बाद, अपने लैपटॉप को एक नया थर्मल पेस्ट भी प्रोवाइड कर दो भाई। अपने लैपटॉप का जो एपीयू है, एपीयू क्या, मेरे पास एएमडी, तो एपीयू निकल गया, लेकिन हाँ, जो भी आपके लैपटॉप में एएमडी है, चाहे इंटेल है, और अगर आपके लैपटॉप में एक डेडिकेटेड ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट जीपीयू की चिप भी लगी है, तो मतलब आपके जो दो कॉपर हीट वे जो दो कॉपर हीट पाइप्स निकलेंगे आपके जो उसमें फ़ैन में से दो कनेक्ट होंगे, तो अगर आपके दो कॉपर हीट पाइप्स है तो यानी आपके पास एक डेडिकेटेड जीपीयू है। अगर सिर्फ एक ही पाइप है तो यानी वो एक सीपीयू है, उसके अंदर ही इंटीग्रेटेड जीपीयू है। तो उसके सीन में जो भी सीन, अगर आपके पास दो, मतलब आपके लैपटॉप में दो हीट पाइप्स है, तो यानी आपके पास एक डेडिकेटेड जीपीयू है, और आप दोनों के जो दोनों हीट पाइप्स है, जो दोनों ही क्या बोलते हैं उसको, हीट सिंक्स है, उसको खोलो, और जो पुराना थर्मल पेस्ट है वो एल्कोहल वाला आता है, एक 99% एल्कोहल, उसको यूज़ कर सकते हो। यानी या तो फिर अगर आप अमेज़ॉन या कोई भी कंप्यूटर शॉप से एक कूलर मास्टर का आता है, हाँ कूलर मास्टर का थर्मल पेस्ट आता है, तो आप उसको, उसके साथ भी आपको एक क्लीनर मिल जाता है, ओल्ड थर्मल पेस्ट निकालने के लिए क्लीनर मिल जाता है, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। वरना अगर आपके पास 99% एल्कोहल है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। पुराना थर्मल पेस्ट हटाओ और नया थर्मल पेस्ट लगाओ। उससे क्या होगा कि आपका जो लैपटॉप है वो, उसमें आपको सबसे ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा टेम्परेचर्स में। यानी जब आपका थर्मल पेस्ट पुराना हो जाता है तो वो धीरे धीरे सूखने लगता है, यानी ड्राई होने लगता है, ड्राई होते होते वो एक दिन ख़त्म होता है, और वैसे ही आपको टेम्परेचर्स में इंक्रीज़ देखने को मिलता है, यानी टेम्परेचर बढ़ते रहते हैं, तो वो सूखते जाता है, तो फिर वो इतने अच्छे से काम करता नहीं, और फिर आपके लैपटॉप में कुछ कम टाइम के इंटरवल में आपको जो टेम्परेचर है वो कुछ ज़्यादा ही इंक्रीज़ देखने को मिलते हैं। तो इसलिए, तो अगर आप हर 3 सालों में रेगुलर क्लीनिंग करते हो, और जो भी मैंने अभी पॉइंट्स बोले वो सब आप फॉलो करते हो, तो आपको हर 3 साल में या हर 2 साल में तो लैपटॉप क्लीन करना चाहिए। उसके बाद आपको थर्मल पेस्ट लगा लेना चाहिए। उससे आपके जो लैपटॉप है उसका आइडल स्टेट में फ़र्क आएगा, प्लस अगर आप गेमिंग करोगे तो उसमें भी आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। अगर आप वीडियो रेंडरिंग, वीडियो एडिटिंग करते हो तो उसमें भी आपको
जो रेंडरिंग के वक्त जो टेम्परेचर है वो इतना हाई नहीं जाएंगे। तो थर्मल पेस्ट एक ऐसी चीज़ है जो आपके 60 डिग्री लैपटॉप को 50 डिग्री रख सकते हैं एकदम हैवी लोड पे। तो थर्मल पेस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो आप हर 3 साल में थर्मल पेस्ट नया लगाते रहो और ऑन एवरेज हर साल आपका लैपटॉप बढ़ता है 4 से 5 डिग्री के टेम्परेचर्स में। यानी आपके हर साल में ऑन एवरेज आपको दिखेगा कि आपका लैपटॉप 4 से 5 डिग्री जंप हो गया टेम्परेचर्स। तो यानी आपको हर साल 4 से 5 डिग्री देखने को मिलेगा इंक्रीज टेम्परेचर्स में। और अगर ये जो चीज़ है वो लैपटॉप में ही फॉलो नहीं होती, मैंने लैपटॉप्स को मेंशन किया हाँ, लेकिन इसमें से कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके अगर आपके पास डेस्कटॉप है तब भी फॉलो की जा सकते हैं। यानी वेंटिलेशन हो गया और डेस्कटॉप जहाँ आपने रखा है उसको भी साफ़ सफाई रखो, थर्मल पेस्ट भी डेस्कटॉप में आता है। तो मतलब हर चीज़ सिमिलर ही है, बस आपको अपना दिमाग लगा के सिचुएशन के हिसाब से ये सब पॉइंट्स को अप्लाई करना है, एक्सिक्यूट करना है। और लास्ट पॉइंट है जो 5th पॉइंट है हमारा और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है यहाँ पे लैपटॉप अपग्रेड या आपका डेस्कटॉप अपग्रेड। अब लैपटॉप अपग्रेड और डेस्कटॉप अपग्रेड से मेरा मतलब ये है कि कभी कभी क्या होता है अगर आपका लैपटॉप बहुत ही पुराना हो चुका है, तो जब वो लैपटॉप पुराना होता है तो और आप उसको अभी भी अभी के ऐप्स के साथ यूज़ कर रहे हो, यानी आप अभी भी लेटेस्ट गूगल क्रोम यूज़ कर रहे हो, हाँ अपडेट तो वो ऑटोमेटिकली हो जाता है, तो यानी आप कब तक चीज़ों को अपग्रेड नहीं करोगे तो उतने ही नोटिफिकेशन आएंगे, तो अपग्रेड तो होता ही रहेगा। प्लस अगर आप लेटेस्ट ऐप्स यूज़ कर रहे हो, फिर आप उसको एडिटिंग का भी यूज़ कर रहे हो, फिर उसमें आप थोड़ी बहुत गेमिंग भी कर रहे हो, तो इस ये होता है लोड वाला काम। अब लोड यहाँ पे आ गया तो अब लोड से भी हीट जनरेशन होता है, यानी अगर आप अपने लैपटॉप को जितना ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज़ करोगे उतना ही वो हीट को जनरेट करेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपका लैपटॉप के स्पेसिफिकेशंस वो 2019 के हिसाब से बहुत ज़्यादा पुराने हो गए तो आपको लैपटॉप को अपग्रेड करना कंसीडर करना चाहिए, या डेस्कटॉप को अपग्रेड करना कंसीडर करना चाहिए। अपग्रेड क्यों? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपका जो लैपटॉप का कुछ एक पार्ट ऐसे सीपीयू होगा, सीपीयू ज़्यादा काम कर रहा है, अगर आपके सिस्टम में जो रैम है वो इनसफिशियंट है, सिर्फ 4 GB है, लेकिन आज के ज़माने में तो 8 GB कंपलसरी है, तो आपको जो लैपटॉप है उसमें अपग्रेड करना कंसीडर करना चाहिए, और वो डेस्कटॉप में भी, वरना आपका सीपीयू मेहनत करता रहेगा, उसको रैम की उतनी जगह नहीं मिलेगी, तब भी हीट जनरेशन होता है, तो यानी हीट बहुत निकलती है उसमें से भी। और अगर आपका जीपीयू बहुत पुराना है और सीपीयू नया है तो जीपीयू को अपग्रेड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बस यही थे कुछ फीचर, तो बस आज के इस वीडियो में इतने। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो देना इसको एक लाइक, मन में कोई भी सवाल है नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, और डिस्क्रिप्शन में मेरे लिंक्स चेक कर लो, फेसबुक ट्विटर और इंस्टाग्राम के, वहाँ पे भी अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए तो मैं आपको वहाँ पे भी प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग टेक वीडियोज़ आने वाले समय में चाहिए तो चैनल टेक्निकल गाइड को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि जब भी मैं एक नई वीडियो डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।